सब कुछ अच्छा ही होगा गाइस, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है इसी मरसा। हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आयो आप सब अच्छे होंगे। गाइज हम भी अच्छे हैं आपकी कृपा से। और गाइज रात भी बहुत तेज बरसात आई थी, इस वजह से अंकिता को वापस धोना पड़ रहा है पूरे चौक को। देखो इधर तो इतनी गंदगी और इधर तो मैंने पूरा पानी डाल दिया। अंकिता को सिर्फ वाश प्रेशर से ये पानी निकालना पड़ेगा। और हमारा मैक्स बेटा इधर। और गाइज आप मौसम देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा है चारों तरफ से, मैं दिखाता हूँ आपको। और गाइज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है आज, अभी 10 मिनट बाद में क्लियर हो जाएगा कि हम उस जगह पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे 7-8 दिन के लिए। तो ना भाई सारी रात मुझे तो नींद नहीं है, 11 बजे तो मैं सोया, 1 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया और अभी 7 बजे फिर उठ गया। मैंने तो आज इनको 6 बजे बोला ना, लो उठो ना चलना है ना, तो उठ गए। वैसे तो 8-8 बजे भी नहीं उठ, उठता ही नहीं मैं तो, 8-8:30 बजे तक तो उठता ही नहीं। तो गाइज आज का ये सीन था। और गाइज इस मैक्स का क्या करे यार, ये नींद नहीं आने देता, इसकी टेंशन रहती है मुझे आती। तो ये गाइज बरसात में बाहर पड़ा रहता है, इसका घर है उसमें नहीं जाता, मेरे घर पे पड़ा रहता है। गाइज इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सोने के लिए भाई, अब यहाँ ही रहता है तो इसके लिए यही करना पड़ेगा, कुछ बोरी बिस्तर बिछाने पड़ेंगे भाई इसके लिए। तो गाइज मैं जा रहा हूँ दूध लेने और कन्फर्म करके आता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो गाइज दूध लेके आ गया घर और गाइज कन्फर्म हो गया हमारा जाना तो, लेकिन भाई टिकट नहीं मिल रहा क्योंकि वेटिंग में चल रही है गाइज सीटें। अब देखते हैं, मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं बात, अगर हो जाता है VIP में कहीं भी कैसे भी करके तो भाई आज निकल जाएंगे हम। क्या कर रही है मैडम? कुछ नहीं, कोई काम कर रही थी। चल दूध लेके आ गया, गर्म कर दे इसको। आ तो जिम भाई ना संतरा आंटी की। मैं नहीं जाऊंगी जिम, नहीं भी नहीं जाएगी, बहुत दूर है यार। तो बाइक पे चल चलेंगे धीरे धीरे, दच काम। अब देख ले तेरा सब चाल तो ठीक, ना चाल तो रोटी बना ले। और वो जाना कन्फर्म है अपना? कब जाना है? मतलब आज चले जाएंगे, पर ट्रेन नहीं है, ट्रेन है 11:30 बजे। देखते हैं उस ट्रेन में जाना होगा तो उसमें चल चलेंगे। वैसे टिकट ही नहीं मिल रहा, टिकट करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं से। तो गाइज अंकिता ने चाय बना दिया, फूफा जी बुआ आई हुई है तो चाय पी लेते हैं। तो गाइज जहाँ हमारे को जाना है वो जगह फिक्स हो चुकी है, तो मैं और मस्तराम जी वहाँ पे जाएंगे। और आज यहाँ पे किसी की शादी है तो वहाँ पे जिम में भी जाएंगे। तो पहले तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पोया या कुछ ऐसा हल्का खाना खा लेंगे, फिर बाद में 2 बजे जाना है वहाँ पे, तो तब तक भूख लग जाएगी, इसलिए पहले नाश्ता बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे काम चल चुका है, लोग बाग काम कर रहे हैं। तो गाइज हमारे सामान जमना चालू हो चुके हैं, अंकिता जमा रही कपड़े वगैरह, जमा दिया पूरा कपड़े। अब क्या रख रही है? अच्छा अंकिता चोड़े वगैरह रख रही है इसके, पूरा बैग भर के गए। इसमें तुम आए नहीं। अच्छा अब और सामान दूसरे बैग में रखना पड़ेगा। तो गाइज इस लगेज बैग में तो आया ही नहीं, एक बैग और ले लेंगे उसमें आ जाएगा सब सामान। चल तो सामान जमा ले, मैं वीडियो एडिट कर देता हूँ फटाफट, फिर देखते हैं आज शाम को निकलना होता है या कल निकलना होता है, दिन में निकलना होता है जो भी है। गाइज नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, जैसे पानी गर्म होगा नहा लूंगा, उससे पहले मेरे को वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, तो वो काम करके कम्प्लीट हो देता हूँ, फिर मेरा एक काम रहेगा सिर्फ जाने का। तो गाइज नहा धो के कम्प्लीट हो चुके हैं और अबुआ अंकिता में एक गाड़ी पे जा रहे हैं, देवंदर राकेश भाई वो सब एक गाड़ी पे गए जिम ने जा रहे हैं। गाइज अभी जिम के आएंगे, उसके बाद में वीडियो अपलोड करके आऊंगा वाईफाई से, उसके बाद में हमारा टिकट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, शाम को जाएंगे कल जाएंगे पता नहीं गाइज, लेकिन हमने सामान वामान पूरा जमा दिया है। ब्लॉग के लास्ट में बताएंगे गाइज आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी तो जिम के आते हैं और यहाँ का जो भी काम होता है जो भी रूटीन होता है वो सब आपको बताते हैं गाइज, तो ब्लॉग के साथ बने रहो आप। तो गाइज हम आ गए शादी के अंदर और यहाँ पे जिम वगैरह सब चल रहा है, पब्लिक भीड़ भाड़ हो रही है बहुत सारी। तो गाइज संतरा आंटी से सबसे मिलाते हैं, हमारे फार्म हाउस वाले सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे और टेंट वेंट लगे हुए हैं। गाइज हमारे फार्म हाउस के प्राणी जिम रहे, काय खा रहे चले कम खा जो दस्त लाग जाओ। और इधर हो रही है पैरावनी और मैं राकेश भाई का वेट कर रहा हूँ, जैसे आएगा फिर हम साथ में जिमेंगे। तो गाइज हमारे बुढ़े आंटी की टीम पूरी आ चुकी है, मतलब राकेश भाई, तो हम जिम रहे हैं गाइज। गाइज अभी तक पूरी पातली नहीं हुई और राकेश भाई तो चाबने लगे, ये बुका भंडारी है ना, बुका आता है घर से। अरे कुछ खा के नहीं आया था क्या सुबह? आते लग गया, वेट तो करो भाई सब लोगों के आने तो दे। तो गाइज हम लोग भी खा लेते हैं। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया, प्रोग्राम चालू है, हम लोग जा रहे हैं लेकिन वापस। एक सब्सक्राइब मिला है हमारे गुजरों के, तो उनसे मिलके चाय वाय पी के फिर निकलेंगे हम। तो गाइज बहुत अच्छा खाना था, खाना खा लिया बढ़िया मस्त, तो भैया के घर पे चाय पी के फिर हम जा रहे हैं डायरेक्ट फार्म हाउस। राम राम सर। राम राम साहब, क्या हाल चाल? बस ठीक है। राम राम जी। राम राम। तो भाई हम सबके लिए चाय आ गई है भैया के घर पे, सब लोग पी रहे चाय। तो ठीक है बहन जी, राम राम मान जो, अच्छे लगे था सुमिलर। और ठीक है भाई साहब, आज फिर कभी ताको मौको मिला तुम्हारा गाड़ी की। चलो बाय बाय। तो गाइज खाना वाना खा के आ गए शादी से, संतरा आंटी तो वहीं रह गई, वो तो बरात में जाएगी क्योंकि सैनी परिवार में ना बरातों में जाते हैं इधर के लोग, और कास्ट के भी जाते होंगे लेकिन माली परिवार तो जाता है गाइज। तो गाइज हम सब लोग आ गए, अब थोड़ी देर आग सेकते हैं क्योंकि सर्दी लग रही है, ठंड बहुत है। गाइज शादी समारोह से तो आ गए और राकेश भाई हम सब लोग बुआ के घर पे आए थे, यहाँ पे हमने चाय वाय पी ली, वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो राकेश भाई हम जा रहे हैं उधर, तो मतलब कैसा क्या रहेगा आपका? राम राम। मिस करोगे नहीं करोगे? राम राम दोस्तों, लेकिन मेरा तो अंदर की आत्मा से बोल रहा हूँ कि जब से ये बात सुनी तब से मेरा दिमाग खराब है, मेरे कुछ बोलने की इच्छा नहीं आज, पूरा मूड एकदम खराब है। भले आप घूमने जाओ चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन हम आपको एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना अपना
एकजुट होके रहे और इतना प्यार से रहे, इसलिए हमारे को तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैं तो भगवान से ही दुआ करता हूँ कि आप जाओ मत और आपका टिकट ही कैंसिल कर दें। गाइज, आपको अभी पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और एक मन से खुश है कि ठीक है हम वहाँ पे जा रहे हैं, एक मन से दुखी है कि इन लोगों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हो सकता है मैं परमानेंटली ही छोड़ के जा सकता हूँ, अभी मुझे कुछ पता नहीं है, आइडिया से बोल रहा हूँ मैं। और इन सबको भी आइडिया है कि हो सकता है मैं इस फार्म हाउस को यहाँ से छोड़ना ही पड़े, मुझे उसी जगह पर रहना पड़े। मुझे कुछ भी पता नहीं है, अभी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा तो मैं इन लोगों को बहुत मिस करूंगा भाई। और मैं सारे दिन से ना बहुत इमोशनल हूँ और ना रात को मुझे नींद नहीं आई थी। और अगर हम 10-15 दिन में घूम के आ जाएंगे तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाय जी इन लोगों से, यहाँ के जानवरों से, यहाँ के डॉग से, यहाँ की गाय भैंस सब लोगों से इतना प्यार हो गया ना मैं। वो बोलते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ खरीद नहीं सकती हमारे प्यार को, कि भाई ना कोई बोले ना कि तेरे को इतना पैसा देंगे तुम इन प्यार को छोड़ दो, तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो कहते हैं कि मजबूरी अगर आएगी ऐसी तो इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। बाकी कोशिश करेंगे, ऊपर वाले सिर्फ दुआ करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, और देखते गाइस जो भी होगा। भाई देख, हमारे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अगर बाई चांस अगर मान लिया हमारे को वहाँ पे रहना भी पड़े तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को भूल जाएंगे, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बुआ पापा तो है ही नहीं भैया कि आप वहीं रुकोगे, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप जल्दी घूम के वापस आ जाए, जो भी डिसीजन है वो सब खारिज हो जाए और वापस आप आपके रूम में आ जाए। क्योंकि जब से आप आए हो इधर उधर, आपके जितनी बार मेरा मतलब मन इसलिए दुखता है कि आप आए, तब से कम जगह जगह आपने मकान मतलब चेंज कर दिया। भगवान आपके साथ ही ऐसा क्यों करता है, इसलिए मुझे दुख होता है कि आप आए हो तो साल दो साल हमारे साथ रहो बस। भाई देख, मेरे नसीब है ना, ऊपर वाले ने लिख के भेजा है। अब सब लोग मुझे बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, यूट्यूब फैमिली बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनको भी मैं वीडियो बना के देता हूँ, उनसे भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, आप लोग सब लोग है ना। पर नसीब आगे से लिखवा के लाया हूँ तो उसको टाल नहीं सकता। मेरे नसीब में ऐसा होता है कि लोगों को प्यार तो मुझे बहुत मिलता है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलता है। बस वो एक कुछ समय के लिए वो प्यार मुझे मिलता है, फिर वो मुझसे छूट जाता है, फिर नया प्यार मुझे मिलता है, फिर वो मेरे से छूट जाता है। ये पता नहीं अब कब तक चलने वाला है, अब जब तक चलेगा सामना करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है अपनी हिम्मत हार गए और मर गए, ये ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। ये है कि भाई जब तक जिएंगे जब तक सामना तो करेंगे लाइफ का। तो मैं तो यही चाहता हूँ भैया आपकी और हमारी कृष्ण भगवान और सुदामा जैसी दोस्ती हो जाए, जो कि कहने का मतलब बहुत ही तरीके से चले। कोई बात नहीं, आप 15 दिन के लिए जा रहे हो लेकिन आप वापस जल्दी आ जाना आएंगे और आराम से, लेकिन आना है यही है आपको, और भगवान से ही दुआ करता हूँ आप जल्द ही आ जाएंगे 15 दिन घूम के, बस यही चाहता हूँ मैं तो। बाकी दोस्तों, राकेश भैया की आवाज़ आप सुनना फिर मुश्किल हो जाएगा, और फिर मस्तराम जी इसकी याद हमारे को आएगी। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो तेरे से वीडियो कॉल पे सब पे बात करूंगा ना यार, ऐसी कोई दिक्कत वीडियो कॉलिंग पे करोगे, लेकिन वो एक तो सामने से यार ऐसे मजाक करते हो आप, हमारे को कितना बोलते हो राकेश तेरे लिए गुलाब जामुन लाया, कितनी मजाक करते हो अंकिता, वो राकेश को दिया नहीं दिया, वो पीयूष को दिया नहीं दिया, तो मतलब कि ना आप हमारे से कितनी ऐसी मजाक करते हो, इसीलिए मेरा मन बहुत ज्यादा दुख रहा है बस। सब कुछ अच्छा ही होगा गाइस, कुछ भी गलत नहीं होने वाला इससे हमारे साथ। हमारी माँ के सोगन मार को परिवार वालों मर जाओ तो मन इतनी टेंशन होना, पर आप मुझे गाइस सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हैप्पी हैप्पी जा रहे हैं, हैप्पी हैप्पी आएंगे, जो भी होगा बता देंगे आप लोगों को भी, और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी भगवान अगर दूर करना ही लिख रखा होगा, भगवान ने दूर करना ही लिख रखा होगा, फिर उसको तो वो टाल भी नहीं सकता, बाकी सब कुछ सही होगा गाइस। बाकी इमोशनल हो जाते हैं ऐसी बात मत कर राकेश, ठीक है। इमोशनल की बात नहीं भाई, मेरे को जब से बात दिमाग में ले गई तब से दिमाग बिल्कुल आउटसाइड हो गया है मेरा। बिल्कुल भाई, वो तो मेरा भी हो रहा है, और भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो गाइज ब्लॉग के साथ बने रहो, मैं अपलोड करके आता हूँ वीडियो ऑफिस जाके। राम राम गाइज, शाम के बज चुके हैं 6:30, ऑफिस से वीडियो अपलोड करके आ चुका हूँ। और गाइज 2-3 दिन से बिल्कुल मौसम है ना ठंडा ठंडा रहता है, ऐसा लगता है जैसे बारिश आने वाली है, हो सकता है बारिश भी हो जाए गाइज, 1-2 दिन तक मौसम खराब ही रहेगा। गाइज अंकिता और बुआ जी बना रही खाना, और पीस तो मेरे साथ गया ही था तो सर्दी लग रही है, आग सेक लेते हैं। क्या क्या बनाए बुआ, रोटी और सब्जी किसकी बनाए? रोटी सब्जी, अरदे की सब्जी रोटी। अच्छा, तो गाइज आग सेक लेते हैं, और कल या परसों या तरसों पता नहीं हम कभी भी जा सकते हैं भाई, बुआ फूफा को छोड़ के, तो ना मन ही नहीं लग रहा हमारा, तो हमारा तो माइंड में एक ही एक चीज घूम रही है, मन ही नहीं लग रहा बस, अब देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। तो गाइज खाना कंप्लीट हो चुका है, खाना खा ले बुआ जी, खाना खाओ।
चलो खाना खाते हैं भाई। राम राम जी गाइज, खाना वगैरह हो गया, बुआ फूफा जी देवेंद्र पीयूष सब उनके घर पे गए और गाइज हम आज बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि भाई ना हम उस जगह पे जा रहे हैं। फिर हमारे को पता चला कि भाई हम परमानेंट भी वहाँ पे जा सकते हैं या फिर 8 दिन 10 दिन के लिए भी हम जा सकते हैं। अभी तक भी हमें कोई क्लियर नहीं है गाइज, आज का टिकट हमारा कन्फर्म हुआ नहीं इसलिए आज हम घर पे रुक गए। वैसे हमने पैकिंग वगैरह सारे सामान कर लिए थे कि भाई चलना है ठीक है। पहले तो हमको लगा कि हाँ घूमने जा रहे हैं, फिर हमको पता चला कि नहीं घूमने नहीं जा रहे भाई, वहाँ हम रहने जा रहे हैं। तो ऐसा डिस्प्यूट मामला हुआ था, अब ये कन्फर्म कल बताएंगे, कल के ब्लॉग में बताएंगे कि क्या मामला था क्या मामला नहीं था। बस ये है कि अभी मेरी बात हुई है तो कैंसिल भी हो सकता है, हम नहीं जाए ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि हम जाए ये भी हो सकता है कि हम परमानेंट जाए। 3 चीजें हमारे पास है, मतलब कुछ भी हो सकता है गाइज, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हमारे खुद को भी पता नहीं क्योंकि हम तो दूसरे के घर पे जॉब कर रहे हैं ना भाई, इसलिए कुछ भी पता नहीं। जो भी होगा कल के ब्लॉग में जरूर से जरूर बताऊंगा। अभी हमने खाना वाना खा लिया, दूध पीना बाकी, दूध पी के अभी तो सोएंगे हम। एंड बुआ फूफा राके सब है ना शेड हो गए कि भाई तुम जा रहे हो, हम भी बहुत ज्यादा शेड हो गए कि हम जा रहे हैं। अचानक से कुछ अलग चीजें पता चली बाद में, पर जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान अच्छा ही करेगा। और है ना कल के ब्लॉग में आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या मामला था और अब क्या होने वाला है, अब क्या करने वाले, वैसे आपको सब कुछ दिखा देंगे ठीक है। हम वैसे भी आपसे कोई चीज़ छुपाते नहीं है गाइज, हम आज भी बता देते लेकिन पहले से बताना गलत है। कन्फर्म होने के बाद में सारी चीज़ें, उसके बाद में हम आपको सारी बताएंगे बात कि क्या बात थी। बाकी आई होप अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो थोड़ा बहुत छोटा मोटा, क्योंकि आज है ना पहले तो है पीते फिर ना लास्ट में शेड हो गए, तो है ना अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।